ये अपनी बाइक है, मैंने सब कुछ पहले ही लगा लिया है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ मैं। ये सैडल बैग गॉड्स के, आई होप नीचे कुछ टच नहीं होगा, आई होप चढ़ना इजी होगा। जय श्री राम। अरे भाई ऊपर तक भर दिए। कितना हुआ? 15.29। भाई ऊपर तक भर दिया, देखो ऊपर तक। मतलब था थोड़ा बहुत। तो हमने टैंक फुल कर लिया, इसको मैं जीरो कर देता हूँ, सो दैट वी कैन सी व्हाट इज द माइलेज वी आर गेटिंग। ये ट्रिप वन है, ट्रिप टू को मैं ज़ीरो कर देता हूँ। ये अपना ट्रिप टू ज़ीरो और ऑडोमीटर 20887, 33 हो गया। ये हमने घर से चलाया, मतलब इतना हम चल चुके हैं घर से। ट्रिप टू अपना जहाँ से मैंने पेट्रोल फिल कराया है। सो भाई अब आएगा मज़ा चलाने का हाईवे पे। थोड़ा सा मैं पहले है ना अंधेरा जो है ना उसको हटा देता हूँ, थोड़ा धूप होने दो। धूप होने के बाद में आपको मैं आगे का व्यू दिखाऊंगा, तब तक मैं थोड़ा भगा लेता हूँ। टाइम हुआ है 5:31। भाई ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं और मैं चल चुका हूँ 71.9 किलोमीटर। सो फार सो गुड। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि भाई मैं 15 से 20 किलोमीटर आया हूँ, बट आ चुका हूँ ऑलमोस्ट 72.9। गाड़ी मस्त परफॉर्मेंस दे रही है, आराम से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन की है मैंने। 4-5 मिनट कंटिन्यू जहाँ जहाँ पे ट्रैक्टर नहीं है और जहाँ पे ट्रैक्टर आ जाता है वहाँ पे भाई स्लो करना पड़ता है। थोड़ी सी जैसे ही खाली रोड मिलती है तब आराम से 120 पे खींच सकते हैं इसको पूरे दिन। मज़ा आ रहा है, मतलब पता ही नहीं चलता। 300-400 सीसी की बाइक जो होती है ना उनमें आपको 60-70 की स्पीड पे चलने में जो मज़ा आता है ना, वही मज़ा इसको 120 पे चलाने में आता है, मतलब पता ही नहीं चलता। और मैं चाहता हूँ कि पहला स्ट्रोक मैं लूँ 150 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद में, बिकॉज पता ही नहीं चल रहा यार, ऐसा लगता है कि मैं 20-30 किलोमीटर आया हूँ इतना चलाने के बाद में भी। भाई 120 से लेकर 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करने में भी ये बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, मस्त भाग रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई 70-80 की स्पीड पे चल रहे हैं। विंडशील्ड जो है अच्छी काम आ रही है, हालांकि थोड़ी और ऊंची मैं कर सकता हूँ, पर ज़्यादा ऊंची करूँगा तो मुझे थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो सकती है। धूप निकलना स्टार्ट हो गई है, मैं भी गर्म होना स्टार्ट हो गया हूँ और गाड़ी भी गर्म होना स्टार्ट हो चुकी है। अभी तो 4 ही लाइन दिख रही है यहाँ पे गर्मी की। 123 किलोमीटर कर लिया। मैं सोच रहा था कि 7 o'clock तक मैं 200 किलोमीटर मार दूंगा, बट अभी भी मार सकता हूँ बिकॉज थोड़ा यहाँ पे ट्रैफिक कम हुआ है, बट मैं ब्रेक लूँगा एट 150, 150 किलोमीटर के बाद में ब्रेक लूँगा ताकि थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लूँ, उसके बाद मैं सीधा 400 किलोमीटर पे ब्रेक लूँगा तब आगे चलाऊँगा। बस ये थोड़ा सा दिक्कत है, देखो ट्रक वगैरह बस वगैरह बहुत ट्रैफिक है। मैं सोचा एक 60-70 किलोमीटर सिटी के बाहर निकलने के बाद में ट्रैफिक कम रहेगा, बट भाई ट्रैफिक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सो भाई पहला ब्रेक लिया है 7:15 पे, 204 किलोमीटर में चल चुका हूँ और भाई अभी पेट्रोल बहुत बचा हुआ है, 204 किलोमीटर में चल चुका हूँ। पहला ब्रेक लिया और भाई सीट जो है ना इसके बारे में आपको कुछ बताऊँगा, एक बार मैं नाश्ता कर लेता हूँ उसके बाद में। हो गया भाई अपना खाना वाना, 20-25 मिनट मैंने यहाँ पे ख़राब कर दिए और अब जाएंगे भाई। गाड़ी इतना अटेंशन ग्रैब कर रही है, जो आ रहा वो देख रहा है, जो आ रहा वो देख रहा है। मैंने ऑलमोस्ट 328 किलोमीटर चला लिया है और भाई ये गाड़ी है ना 120-130 इतना मज़े से कर रही है। मैं जब स्टार्टिंग में इसको चला रहा था ना, मतलब फर्स्ट ब्रेक लेने से पहले, ये जो विंडशील्ड है ना इसका ये थोड़ा नीचे सेट किया गया था, तो उसकी वजह से क्या है मेरे हेलमेट के ऊपर लग रही थी हवा जोर से, मतलब मेरा सर ऐसा जा रहा था ऊपर नीचे। तो जब मैं ब्रेक लिया फर्स्ट वो टाइम पे मैंने थोड़ा इसको ऊपर किया, तो अब भाई 130-140 भी आराम से मेंटेन कर पा रहा हूँ, विंड ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बट एक दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है पता है, ये जो विंडशील्ड है उसके ऊपर बहुत सारे दाग धब्बे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, शायद आपको भी पता चल रहा होगा, बिकॉज आपको रोड जो है ना ये विंडशील्ड के थ्रू दिखाई दे रही है।
आप देखो मैं आराम से 130-135 इसको चला पा रहा हूँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। विंडशील्ड बहुत काम आती है भाई। मैं तो जैसा आपको बता रहा था कि फर्स्ट ब्रेक से पहले मैं विंडशील्ड को नीचे करके रखा था, वो टाइम पे मैं 100-110 तक आराम से चला पा रहा था, उसके बाद विंड ब्लास्ट मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ट्राई करते हैं तो थोड़ा। अरे भैया बस वाले भैया, एक्सप्रेस है नाम है तेरा, लेकिन एक्सप्रेस सीधा चलने में, राइट और लेफ्ट सडनली लेने में नहीं है भाई। मैंने पेट्रोल टैंक जो भरवाया था ना, उसके बाद में अभी 334 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, तो यहाँ पे डंडी और दिख रही है मेरे को, मेरे हिसाब से 360 किलोमीटर तक आराम से चल जाएगी, उसके बाद में रिजर्व में आ जाएगी। रिजर्व में ये चलती है ऑलमोस्ट 60 से लेकर 80 के बीच में। रिजर्व आपको दिखाएगा, देखो रिजर्व आ गया ना अभी, देखो बात कर रहा था ना रिजर्व की, तो 56 किलोमीटर का रिजर्व आ गया, 55 किलोमीटर मेरे हिसाब से रिजर्व इसमें 4 लीटर रहता है। हाँ वैसे ऐसा नहीं आना चाहिए सामने कोई, ब्रेक्स ठीक है, ब्रेक्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड होने की वजह से अगर आप सडनली ब्रेक भी मारते हो ना तो भी आपको कोई ऐसा बाइक गिर जाएगी वैसा कोई फील आता नहीं है भाई। गर्मी बढ़ चुकी है अभी, एंड मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि भाई अगर तू बैंगलोर अभी तक नहीं पहुंचा है, मतलब नज़दीक है, तो पहले देख ले भाई, रेनकोट लेके आ जाना, बारिश हो रही है यहाँ पे, यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है और वहाँ हो रही है बारिश। अभी मेरे से बैंगलोर ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर है। मेरा टारगेट ये है कि मैं 11:30 तक बैंगलोर पहुँच जाऊँ, 2 घंटे हैं मेरे पास। अगर खाली रोड मिली ना तो खींच दूंगा, पर यार बीच बीच में लोग बहुत आ रहे हैं, उसकी वजह से जैसे स्पीड पकड़ते हो वापस आपको डाउन करना पड़ता है भाई। मैं चल चुका हूँ एग्जैक्टली पेट्रोल टैंक फुल करने के बाद में 331, ये आप देख लो। तो ट्रिप 2 है ना, ये मैंने 0 करी थी जब मैंने पेट्रोल टैंक फुल कराया था, उसके बाद में 331 अभी चल चुका हूँ, और अभी रिजर्व दिखा रहा 32 किलोमीटर। 18 लीटर की इसकी पेट्रोल टंकी है, पेट्रोल की जो टैंक है ना, पेट्रोल का जो टैंक है वो 18 लीटर का है, 18 लीटर। तो आप देख लो अगर 20 का एवरेज भी अगर पकड़ोगे ना तो 18 × 2 मतलब 360, तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे देख सकते हैं 332 ये हो गया और 32 यहाँ पे, तो मतलब 20 से ज़्यादा ये दे रही है। और मेरी स्पीड आपको बताऊँ, मेरी स्पीड एटलीस्ट 110, 120, 130 मस्त मार रहा था मैं। तो अगर आप इसको 120-130 की स्पीड पे भी चलाते हैं ना, 120-130 पे भी चलाओगे, तो भी भाई आपको आराम से 22 का माइलेज ये मिनिमम दे देगी हाईवे पे। और अभी आपको बताऊँ, रिजर्व में आने के बाद में इसमें मेरे हिसाब से कम 4 लीटर पेट्रोल रहता है, तो हम क्या करेंगे अभी पेट्रोल का जो टैंक है ना वो फुल कराएंगे फिर से, और जितना पेट्रोल अभी हम भरवाएंगे उतना ही पेट्रोल इसने खाया है, तो देख लेंगे भाई कितना पेट्रोल इसने लिया है। और लास्ट टाइम जो बंदे ने भरा था उसने एकदम फुल भर दिया था। मैं तो सोचा यार जिस स्पीड से मैं चला रहा हूँ ना तो 15-16 ही देगी, बिकॉज बहुत मस्त भागती है भाई, बट भाई इज्जत रख ली गाड़ी ने, मतलब 20-22 तो मिनिमम भी आपको दे देगी, चाहे आप कितना भी रफ चलाओ। अगर आप 90 से लेकर 100 तक चलाते हो ना तो भाई आपको 25 का माइलेज भी ये बाइक दे सकती है। सो अभी हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, तो ये मेरा सेकंड फ्यूल ब्रेक है 345.2 एंड अभी भी 18 किलोमीटर चल सकती है, मतलब ऑलमोस्ट 22 का माइलेज ही देगी। आपको मैं ट्रिप भी दिखा देता हूँ, आपको ओडोमीटर यहाँ दिख रहा होगा ना स्टार्टिंग में, वीडियो में आपने देख लिया होगा। तो ये ट्रिप 2 है जो मैंने पेट्रोल डालने का टाइम पर किया था, ट्रिप 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं 378। अरे आजा भाई आजा, चल हम लोग कितना भगा रहे हैं जल्दी जाने के लिए, उतना टाइम तो यहीं पे लग जाए। टैंक फुल करना है और ये इधर ये लाइन दिख रहा है ना आपको, ये लाइन इस तक करना है, टू आवर्स आ गए थे ऊपर तक, थोड़ा और ऊपर बस। ये भाई देख लो ऊपर तक आ गया है, हाँ सुपर मामा 15.12। अभी आपको माइलेज बताता हूँ मैं कि कितना है, 345 15.11, 22.83 का माइलेज दिया है, वेरी गुड माइलेज, 22 का माइलेज दिया, और मेरी स्पीड भी काफ़ी अच्छी थी, और इसको मैं फिर से अब 0 कर देता हूँ, ट्रिप 2 0 कर दिया फिर से,
और यहाँ से बैंगलोर ऑलमोस्ट आई थिंक 220 किलोमीटर है, 220। तो भाई मेरा ये सेकंड ब्रेक है, प्रॉपर सेकंड ब्रेक। बहुत धूप पड़ रही है, 10:30 बाद भी बहुत धूप पड़ रही है, और अपनी गाड़ी यहाँ पे है, बहुत अच्छा काम कर रही है भाई अभी तक। तो जो लोग, जितने लोग भी आ रहे हैं ना, सब देख रहे हैं गाड़ी को।